हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्या है वो बदलाव, कैसे विजिटर्स के लिए भी बदलाव किए गए हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आपको पता चल सके। तो दोस्तों, टर्मिनल 3 जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 है, वो मेनली है एमिरेट्स के लिए। किसी भी अदर कंट्री से जब एमिरेट्स आती है तो वो टर्मिनल 3 पे ही आती है। तो और सबसे खूबसूरत बोल सकते हैं टर्मिनल 3 ही है, सबसे फास्टेस्ट एग्जिट जो होता है वो टर्मिनल 3 पे ही होता है। पर्सनली मुझे टर्मिनल 3 बहुत पसंद है, उसकी सर्विस बहुत पसंद है, लोग वहाँ पे बहुत हेल्प करते हैं, नए आने वालों को भी बहुत हेल्प करते हैं वहाँ पे लोग। तो अभी एक और सिस्टम अपग्रेड हो गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सबने सुना होगा, उसके थ्रू आता है बायोमेट्रिक। अभी तक जीसीसी जो लोग यहाँ के सिटीजन हैं, यानी कि गल्फ के सिटीजन हैं, उनके लिए था, यूएई रेसिडेंट्स के लिए था कि एग्जिट होना बहुत इजी होता है, यानी कि जस्ट 10 मिनट्स भी नहीं लगते हैं, आपका पूरा प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, कोई भी बार बार पासपोर्ट दिखाना, वीजा पेज दिखाना, ये डॉक्यूमेंट दिखाना, वो डॉक्यूमेंट दिखाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता आया है। लेकिन अब ये जो सिस्टम है, बायोमेट्रिक सिस्टम जो है, उसमें क्या होगा, आपका फेशियल का कुछ इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन जिसको बोलते हैं, वो करके आपको पास कर दिया जाएगा इमिग्रेशन में। ठीक है, तो उसके कारण बहुत जल्दी आप लोग कर सकते हैं, यानी कि पूरा सिस्टम जो हो गया है अब विजिटर्स के लिए भी बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी और GDRFA जो है, उनके बीच पूरा एग्रीमेंट हो चुका है और ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जो विजिटर्स हैं वो लोग भी अपना बायोमेट्रिक करके ही एग्जिट कर सकते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, आपका बहुत समय बच जाएगा, बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा इससे, और मतलब एग्जिट करना बहुत इजी हो जाएगा, चाहे वो आपके लिए हो, कोई नया आ रहा है उसके लिए हो, या कोई भी हो। तो ये अभी टर्मिनल 3 पे ही किया गया है, और अगर अच्छा बेटर रिजल्ट दिया तो अदर टर्मिनल्स में भी किया जाएगा। तो गाइस, ये मतलब जो है सिस्टम जो है ना, बहुत हेल्पफुल होता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं रेसिडेंट हूँ, मैं आती हूँ तो बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर विजिटर्स के लिए हो जाए ना, तो रियली वेरी गुड न्यूज़। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि जो चीज़ मैं वीडियो में बोलती हूँ, वही चीज़ अगर आप लोग क्वेश्चन करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए, ताकि जो है क्वेश्चन आपका जो है वो वीडियो के अंदर ही होता है, लेकिन आप लोग पूरा देखते नहीं है, मुझे नहीं लगता देखते हैं, और आप लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मैं बता दूं, अगर आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन जो चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, तो मैं आपको आंसर देके वहाँ पे एंटरटेन नहीं करने वाली। ठीक है, कोई अदर क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर से आपको बताऊंगी। आप लोग थोड़ा मेरा जो प्लेलिस्ट है वो स्क्रॉल करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलती है, A to Z डिटेल्स पूरी मिलती हैं, जो कि दुबई के लिए लगती हैं, दुबई आने के बाद क्या लगती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, सारी चीज़ें जो आप लोग क्वेश्चन करते हैं वो वीडियो के अंदर ही होता है। क्या होता है, टाइप करके बताना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और यहाँ पे वीडियो में मैं बोल के बताती हूँ तो एक्सप्लेनेशन अच्छा होता है। तो गाइज, मतलब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे जाके देखिए वीडियो में, आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।